Assalamu alaikum 9th class, this is our lecture number, almost I guess it's our lecture number 8, and we have started the components of human food. Firstly, what we have done, we did carbohydrates, proteins, then lipids, and then we moved towards the minerals and their role in the human body, and then we done with the vitamins. And yesterday we did with the vitamin C and vitamin D, and today okay, move towards the previous. These were the major components of human food, like carbohydrates, lipids, proteins, minerals and vitamins. Next line is, beside these nutrients they also require water. It means there is something to do with the water in the diet. ठीक है कि डाइट में वाटर भी इम्पॉर्टेंट है. सो वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है बॉडी में, इस पैराग्राफ में, इस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली कंसीडर करें, हमारी ह्यूमन बॉडी का अबाउट 60% ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर. इट मीन्स 60% बॉडी में जस्ट क्या है, वाटर है. अब वाटर बॉडी में इतना प्रेजेंट है तो इट मीन्स इट शुड हैव सम फंक्शन इन द बॉडी. सो हम सारे फंक्शंस को एनलिस्ट करेंगे वन बाय वन, एंड दीज फंक्शंस इज द आंसर ऑफ योर बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन एक्चुअली, एंड लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, सो द फर्स्ट फंक्शन इज, फर्स्टली कंसीडर इन द साइटोप्लाज्म. अगर आप मूव करें टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में हमने स्टडी किया था साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में कंपोजिशन की बात करें तो इट मेजरली कंटेन्स वाटर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, एज वेल एज माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स पढ़ा था, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आपने सॉल्ट्स और एसिड्स पढ़ा था. ठीक है, सो इट मीन्स साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वाटर है. एंड व्हाट वाज़ द फंक्शन ऑफ दैट साइटोप्लाज्म, ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द एक्वस एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस हैपन्स इन साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो था वो कहाँ पे हो रहा था, हमारे पास साइटोप्लाज्म में हो रहा था. और साइटोप्लाज्म में क्यों हो रहा था, बिकॉज इट कंटेन्स वाटर. तो फर्स्ट वहाँ से हमने फर्स्ट फंक्शन वाटर का फाइंड आउट किया. दैट वॉज एक्चुअली ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट हैपन्स इन ह्यूमन बॉडी आर टेकिंग प्लेस ड्यू टू दिस एक्वस मीडियम, एक्वस वाटरी इन्वायरमेंट. ठीक है, कि तमाम जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उन्हें क्या चाहिए, वाटरी इन्वायरमेंट चाहिए, एक्वस इन्वायरमेंट चाहिए. सो दैट्स वाई हमारे पास 60% अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है. सेकेंड मूव करते हैं टूवर्ड्स द वाटर सोलबल फूड स्टफ इज एब्जॉर्ब्ड. कंसिडर करें, वेन वी ईट समथिंग, जब हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन में के प्रोसेस में हमने सबसे पहले स्टडी किया था, ऑन द वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने ये डिस्कस किया था, जो भी आप खाना खा रहे हो, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. कंसिडर करें, अगर आपने स्टार्च या आपने ब्रेड खाई है, ब्रेड खाने के बाद आप उसको माउथ में लेके जा रहे हो, सबसे पहले माउथ में आप क्या कर रहे हो, उसकी सेमी डाइजेशन कर रहे हो. इट मींस उसकी ग्राइंडिंग कर रहे हो, उसको छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर रहे हो. जैसे ही आपने माउथ में उस छोटे पीसेज को कन्वर्ट किया, देन इट हैज़ टू मूव टू द स्टमक. ठीक है, फूड कहाँ पर चलेगी, स्टमक में, स्टमक में, एंड वहाँ पर क्या होगी इसकी डाइजेशन. डाइजेशन के बाद द नेक्स्ट will move towards, okay, इस चीज़ को हम लिंक कर सकते हैं टू द चैप्टर नंबर 1, वी हैव ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. ठीक है, वहाँ पे आपने स्टमिक का फंक्शन पढ़ा था, दैट इज़ अ सेमी डाइजेशन. इट कंटेन्स द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथीलियल ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यूज. ठीक है, रिमेंबर, सिमिलर लाइक ऑर्गन सिस्टम लेवल में आ जाएँ, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल की अगर बात करते हैं, तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या था, we have different organs, mouth, esophagus, then we have stomach, small intestine, large intestine,
सो खाना आपने माउथ में खाया, आपने क्या किया उसकी ग्राइंडिंग की, उसके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया. यहाँ से फूड मूव हो जाएगी टुवर्ड्स द एसोफेगस. एसोफेगस से नेक्स्ट क्या प्रेजेंट है, वी हैव स्टमक. एसोफेगस इट्स नथिंग, इट्स लाइक अ ट्यूब. एक ट्यूब है जो कि खाने को माउथ से लेकर स्टमक तक लेके जा रही है. ठीक है, खाना हमारा चला गया स्टमक में, स्टमक में उसकी क्या हुई, डाइजेशन. देन नेक्स्ट वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होगी, हमारी डाइजेशन होगी. सो डाइजेशन के साथ साथ यहाँ पे डाइजेशन तो हुई है, बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. अब वो जो फूड हमने खाई थी उसको डाइजेस्ट करने के बाद नाउ वी हैव टू एब्जॉर्ब इट. उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने ब्लड में एंटर करेंगे फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ब्लड, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन. सो इट मीन्स ऑल फूड दैट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब इन द बॉडी फर्स्टली गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर. जो फूड हमने एब्जॉर्ब करनी है स्मॉल इंटेस्टाइन से, पहले क्या होगी, वो वाटर में एब्जॉर्ब होगी. वाटर में एब्जॉर्ब होने के बाद इट विल गेट एंटर्ड इन टू द ब्लड. उसके बाद नहीं है, ब्लड में चली जाएगी. इट मीन्स वहाँ पे फूड को भी एब्जॉर्ब करने के लिए हमें वाटर रिक्वायर्ड है. ठीक है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बॉडी से यूरिन की फॉर्म में रिलीज आउट हो जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है और बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एक्स्ट्रा है. इट वॉज़ अ सेकेंड फंक्शन ऑफ द वाटर इन द ह्यूमन बॉडी. नाउ मूव टूवर्ड्स अ थर्ड वन. थर्ड वन दैट इज़ मेंटेनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर रहे हैं, समर सीजन है, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आपके पास क्या है, योर बॉडी टेम्परेचर हैज़ राइजन. आपका बॉडी का टेम्परेचर जो कि पहले 37 था, गर्मी की वजह से नाउ इट हैज़ बिकम, यू कैन से दैट 45 और 50. जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यू नो दैट कि बॉडी में जो इंजाइम्स हैं दे एक्ट ऑन एन ऑप्टिमम pH एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर. सो अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो इंजाइम्स की डीनेचुरेशन हो जाएगी, आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा, और बॉडी की फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं होगी. सो व्हाट हैपन्स उस केस में, क्या होता है इन दैट केस, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है, बिकॉज वाटर हैज़ अ लार्ज हीट कैपेसिटी, वाटर अपने अंदर बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है. सो व्हाट हैपन, हमारी जो ब्लड में, हमारी बॉडी में जो 60% वाटर है, वो क्या करेगा, बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बॉडी से स्वेट की फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अगेन 37. इसकी सिंपल एग्जाम्पल है, इफ़ यू आर फीलिंग टू मच हॉट, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है एंड यू हैव स्वेटनिंग, और आपको स्वेटनिंग हो रही है, लाइट ऑफ है, बट जैसे ही लाइट ऑन होगी, आपके पास फैन ऑन होगा, यू विल फील कूलिंग इफेक्ट. ठीक है, आपको कुछ देर के लिए क्या होगी, कूलिंग इफेक्ट बॉडी को फील होगा. वो कूलिंग इफेक्ट कहाँ से आया था, बिकॉज जो हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स थे, वाटर थे, उन्होंने बॉडी से टेम्परेचर रिलीज एब्जॉर्ब किया और बॉडी से रिलीज आउट हो गए. ठीक है, सो इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो गया. नाउ नेक्स्ट वन, अगर बॉडी में हमारे पास सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, इन दैट केस कि अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नॉट टेकन टू द बॉडी, अगर हम बॉडी को उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर प्रोवाइड नहीं करते, तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन. और डिहाइड्रेशन के रिजल्ट में क्या होगा, कार्डियोवेस्कुलर हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इवन हार्ट अटैक्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और डेथ रेशियो भी बहुत ज़्यादा होगी. सो नेक्स्ट वी हैव वाटर रिक्वायरमेंट पर डे. एडल्ट ह्यूमन की रिक्वायरमेंट पर डे है दैट इज़ अबाउट 2 liters. 2 liters मीन अबाउट 8 to 10 glass, 8 to 10 glass ऑफ वाटर. एंड वाट आर द सोर्सेज, द फर्स्ट वन आर द नेचुरल वाटर है, मिल्क, जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और ऑल्सो कंटेन वाटर. So in summer season we have to drink a lot of water to maintain our body temperature and to prevent the body from dehydration. This was your just simple short question that we have discussed in this lecture. So if you have any problem regarding that, you can ask me in class. Okay, Allah Hafiz.